हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे स्ट्रिंग फंक्शन। स्ट्रिंग फंक्शन वह फंक्शन होते हैं जिनको हम स्ट्रिंग के ऊपर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए लगाते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग फंक्शन को हम टेक्स्ट फंक्शन भी कहते हैं क्योंकि ये टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई किए जाते हैं। स्ट्रिंग से हमारा यहाँ मतलब है इंग्लिश टाइप के जो लेटर्स हैं, जो वर्ड्स हैं, जो सेंटेंस हैं, जिनको मैनिपुलेट करने के लिए हम ये फंक्शंस का उपयोग करते हैं। स्ट्रिंग फंक्शंस आर यूज्ड टू परफॉर्म एन ऑपरेशन ऑन इनपुट स्ट्रिंग एंड रिटर्न एन आउटपुट स्ट्रिंग। बहुत सारे स्ट्रिंग फंक्शंस हैं जो हमें SQL देता है। हम अलग अलग फंक्शंस को अलग अलग काम के लिए लगाते हैं। हर फंक्शन का अपना एक स्पेसिफिक काम होता है, वो फंक्शन उसी काम के लिए लगाया जाता है ना। स्ट्रिंग फंक्शन जैसे कि हम पढ़ चुके हैं डेट फंक्शन और नंबर फंक्शन, तो नंबर फंक्शन सिर्फ नंबर्स को मैनिपुलेट करने के लिए लगाया जाता है। उसी तरह स्ट्रिंग फंक्शन सिर्फ तभी लगाया जाता है जब स्ट्रिंग के ऊपर कोई ऑपरेशन हमें परफॉर्म करना हो। और यहाँ पे इनपुट की तरह भी हम स्ट्रिंग देते हैं और आउटपुट भी हमें स्ट्रिंग के फॉर्म में या नंबर्स के फॉर्म में कैसा भी सिंगल आउटपुट हमें मिल सकता है। अब आप बोलेंगे कि स्ट्रिंग हम इनपुट दे रहे हैं, आउटपुट नंबर क्यों मिलेगा? तो कई बार ऐसा होता है हम स्ट्रिंग को काउंट करने का एक फंक्शन लगाते हैं तो वो हमें काउंटिंग करके नंबर ही प्रोवाइड करता है कि इस स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर्स या कितने लेटर्स हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा इसका आउटपुट हमें स्ट्रिंग ही मिलेगा। स्ट्रिंग फंक्शन का आउटपुट हमें नंबर के फॉर्म में भी मिल सकता है, तो ये कंपलसरी पार्ट नहीं है। बट ये है कि हाँ, इसको हम लगाते हमेशा स्ट्रिंग के ऊपर भी ऊपर ही हैं, है ना। कोई भी ऑपरेशन जब हमें इनपुट के ऊपर करना हो, स्ट्रिंग के ऊपर करना होता है, तो हम स्ट्रिंग फंक्शंस या टेक्स्ट फंक्शन का यूज़ करते हैं। अब हमें ओरेकल में कितने टाइप के स्ट्रिंग फंक्शंस हैं ये हम देखते हैं। स्ट्रिंग फंक्शन आर यूज टू परफॉर्म एन ऑपरेशन ऑन इनपुट स्ट्रिंग एंड रिटर्न एन आउटपुट स्ट्रिंग। फॉलोइंग आर द स्ट्रिंग फंक्शंस डिफाइंड इन SQL, दैट इज़ फर्स्ट है ASCII। हमेशा फंक्शन को इन ब्रैकेट्स के फॉर्म में ही लिखा जाता है, जिस तरीके से ये लिखा है ASCII और ब्रैकेट। दिस फंक्शन इज़ यूज टू फाइंड द ASCII वैल्यू ऑफ अ कैरेक्टर। हमें किसी भी कैरेक्टर का यदि ASCII वैल्यू फाइंड आउट करना है तब हम इस फंक्शन का यूज़ करते हैं। ये फंक्शन हमें उस कैरेक्टर की ASCII वैल्यू रिटर्न कर देता है। नेक्स्ट हमारा आता है केयर लेंथ। केयर का पूरा नाम यहाँ होता है कैरेक्टर। जब हमें किसी भी कैरेक्टर की लेंथ निकालनी हो कि वो कितने नंबर ऑफ लेटर्स से मिलके बना है, उसकी लेंथ फाइंड आउट करनी हो, तो हम केयर लेंथ फंक्शन का यूज़ करते हैं। दिस फंक्शन इज़ यूज टू फाइंड द लेंथ ऑफ अ वर्ड। किसी वर्ड की लेंथ निकालने के लिए हम इस फंक्शन का यूज़ करते हैं। बट इट डजेंट वर्क ऑन SQL सर्वर। यूज़ लेंथ फॉर SQL सर्वर। MySQL और SQL सर्वर, इन दोनों में थोड़ा सा ही मामूली सा अंतर है, जिसमें कुछ कमांड्स लिखने का तरीका और चलाने का तरीका थोड़ा अलग हो जाता है। तो ये कमांड यदि तुम MySQL में चलाएंगे तो केयर लेंथ चलेगा, और SQL सर्वर पे यदि चलाना चाहते हो तो लेंथ LEN के नाम से चलेगा, है ना। मामूली सा डिफरेंस है आपका कमांड लिखने का, बट आउटपुट आपका सेम रहेगा कि ये फंक्शन हमें वर्ड की लेंथ देगा। जैसे मैंने लिखा हेलो, HELLO, तो इसकी लेंथ कितनी है? 6 लेटर्स है ना, 5 लेटर्स हैं, तो वो हमें एज एन आउटपुट सब काउंट करके दे देगा। क्लियर। नेक्स्ट हमारा आता है यहाँ पे केयर या कैरेक्टर लेंथ। कैरेक्टर लेंथ क्या करता है? दिस फंक्शन इज़ यूज टू फाइंड द लेंथ ऑफ अ लाइन। यहाँ पे हमने यदि कोई लंबी सी लाइन लिखी है तो उसकी लेंथ यदि फाइंड आउट करनी है तो हम कैरेक्टर लेंथ करके इस फंक्शन को यूज़ करेंगे। ये सेम ये फंक्शन भी SQL सर्वर में काम नहीं करता है, और यदि SQL सर्वर में काम करवाना है तो वही हमें लेंथ लिखना पड़ेगा। लेंथ का भी पूरा नाम लेंथ होता है। क्लियर। नेक्स्ट हमारा आता है कॉनकेट। कॉनकेट का मतलब क्या रहता है? दो चीज़ों को जोड़ना, कॉनकेट करना, है ना। दिस फंक्शन इज़ यूज टू ऐड टू वर्ड्स और स्ट्रिंग। जहाँ पर हमें दो वर्ड या दो स्ट्रिंग को जोड़ने की बात आती है तो
तब हम कॉन्केट फंक्शन को यूज़ करते हैं। ये फंक्शन जो भी हम दो स्ट्रिंग उसको आर्गुमेंट में देंगे वो उन दोनों स्ट्रिंग को जोड़ के हमें वैल्यू रिटर्न कर देगा। तो कॉन्केट फंक्शन इज़ यूज्ड टू रिटर्न द कॉन्केट टू वर्ड, यूज टू ऐड द टू वर्ड्स, वो हमें दो वर्ड्स को आपस में कंबाइंड करके जोड़ के हमें वैल्यू रिटर्न कर देगा। क्लियर। नेक्स्ट हमारा आता है कॉन्केट WS। ये फंक्शन क्या करता है? दिस फंक्शन इज़ यूज टू ऐड टू वर्ड्स और स्ट्रिंग विथ अ सिंबल एज कॉन्केटिंग सिंबल। यह हमें दो चीज़ों को जोड़ देगा, लेकिन किसके साथ? एक सिंबल के साथ। इसमें हम अपने स्ट्रिंग के साथ सिंबल भी ऐड कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट हमारा आता है फाइंड इन सेट। दिस फंक्शन इज़ यूज टू फाइंड अ सिंबल फ्रॉम अ सेट ऑफ सिंबल्स। जब हमें किसी सिंबल को फाइंड करना हो वहाँ पर ग्रुप ऑफ सिंबल्स में से, सेट ऑफ सिंबल्स में से, तो हम फाइंड इन सेट फंक्शन का यूज़ करेंगे। क्लियर। वो सिंबल कुछ भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है जिसको फाइंड हम करना चाहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट हमारा आता है फॉर्मेट। फॉर्मेट फंक्शन क्या करता है? दिस फंक्शन इज़ यूज टू डिस्प्ले अ नंबर इन अ गिवन फॉर्मेट। जब हमें किसी भी गिवन फॉर्मेट में एक स्ट्रिंग, एक नंबर को डिस्प्ले कराना हो तो हम इस फॉर्मेट फंक्शन का यूज़ करते हैं। जैसे कि हमें कई बार ऐसा रहता है कि परसेंटेज के फॉर्म में किसी चीज़ को डिस्प्ले कराना है, मॉड्यूलस के फॉर्म में डिस्प्ले कराना है, तो हम फॉर्मेट फंक्शन का यूज़ करेंगे और हम जो भी गिवन चीज़ उसको देंगे वो एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में डिस्प्ले करा देगा। बट फॉर्मेट हम ही प्रोवाइड करते हैं आर्गुमेंट के फॉर्म में कि हमें इस फॉर्मेट में वैल्यू रिटर्न चाहिए। नेक्स्ट हमारा आता है इन स्ट्रिंग। मतलब ये हमें स्ट्रिंग के अंदर से कोई चीज़ फाइंड आउट करना हो या इंसर्ट करना हो तो हम इस फंक्शन का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हमें डेटाबेस में कोई वैल्यू है उसको चेंज करके कुछ और उसके अंदर एड ऑन कराना हो तो हम इसका इन स्ट्रिंग या इंसर्ट फंक्शन का यूज़ करेंगे। दिस फंक्शन इज़ यूज टू इंसर्ट द डेटा इन टू अ डेटाबेस। जब डेटाबेस, बड़े से डेटाबेस में जब कुछ इंसर्ट कराने की बात आएगी तो हम इस फंक्शन का यूज़ करेंगे और ये फंक्शन वैल्यू को इंसर्ट करके हमें एक सिंपल सा आउटपुट देता है, जैसे सक्सेसफुली अपडेटेड या डेटाबेस अपडेटेड। इस तरीके का आउटपुट हमें इस फंक्शन से मिलता है। नेक्स्ट फंक्शन हमारा आता है इन स्ट्रिंग। दिस फंक्शन इज़ यूज्ड टू फाइंड अकरेंस ऑफ एन अल्फ़ाबेट। मतलब हमें किसी एक बड़ी सी स्ट्रिंग में किसी अल्फ़ाबेट को काउंट करना है कि ये कितनी बार आया है, तो हम इस फंक्शन का यूज़ करते हैं। जैसे मैंने एग्ज़ाम्पल दिया हेलो स्टूडेंट, इसमें मुझे फाइंड करना है कि एस कितनी बार आया है या ई कितनी बार आया है। तो हेलो स्टूडेंट में ई दो बार आया है, तो ई की अकरेंस यदि हमें फाउंड करना होगी तो हम इस फंक्शन से उसको काउंट कर सकते हैं। या हमें किसी भी अल्फ़ाबेट की अकरेंस मतलब वो कितनी बार उस स्ट्रिंग में आया है, उस लाइन में, उस पैराग्राफ में कितनी बार वो आया है वर्ड, तो उसको फाइंड आउट करना हो तो हम इस फंक्शन की मदद से कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है एल केस। एल केस का मतलब होता है, पूरा नाम होता है लोअर केस। लोअर केस यानी कि स्मॉल लेटर्स। तो जब हमें किसी भी स्ट्रिंग को या किसी भी स्पेलिंग को, लाइन को स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट करना हो तो हम एल केस फंक्शन का यूज़ करते हैं। दिस फंक्शन इज़ यूज टू कन्वर्ट द गिवन स्ट्रिंग इनटू लोअर केस। जब हमें कोई भी स्ट्रिंग लोअर केस यानी कि स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट करनी होती है तब हम एल केस फंक्शन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है लेफ्ट। दिस फंक्शन इज़ यूज टू सिलेक्ट द सब स्ट्रिंग फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ गिवन साइज और कैरेक्टर। यह फंक्शन हमें जब कोई सब स्ट्रिंग फाइंड आउट करनी हो गिवन फंक्शन में से
तब यूज़ करते हैं। और इसमें हम जो सब स्ट्रिंग की जो लेंथ देते हैं वो फ्रॉम लेफ़्ट देते हैं, मतलब लेफ़्ट का मतलब ही ये है कि ये लेफ़्ट से काउंटिंग करके हमें सब स्ट्रिंग प्रोवाइड करेगा। क्लियर। नेक्स्ट हमारा आता है लेंथ। लेंथ हमें किसी भी वर्ड की लेंथ फाइंड आउट करने के लिए यूज़ किया जाता है। दिस फंक्शन इज़ यूज टू फाइंड द लेंथ ऑफ द वर्ड, मतलब हम जो भी वर्ड उसको आर्गुमेंट में देंगे वो हमें उसकी लेंथ काउंट करके आउटपुट प्रोवाइड करेगा। तो लेंथ क्या रिटर्न करता है, हमें नंबर के फॉर्म में आउटपुट रिटर्न करता है, ये काउंट करके कि ये जो वर्ड है वो कितनी लेंथ का है, इसमें कितने कैरेक्टर्स हैं। जैसे हेलो स्टूडेंट यदि हमने लिखा तो इसे 13 आउटपुट देगा, क्योंकि इसमें पूरे सारे लेटर्स को यदि हम काउंट करें तो 13 वर्ड्स हैं, इसमें 13 लेटर्स आते हैं, है ना। नेक्स्ट हमारा आता है लोकेट। लोकेट फंक्शन हमें कोई पर्टिकुलर वर्ड की पोजीशन फाइंड करने के लिए यूज़ किया जाता है ना। लोकेट को हम पूरा नाम लोकेशन भी ले सकते हैं। दिस फंक्शन इज़ यूज टू फाइंड द nth पोजीशन ऑफ गिवन वर्ड इन स्ट्रिंग। यदि हमें किसी दिए हुए शब्द में से किसी लेटर की या फर्स्ट नंबर पे कौन सा लेटर है या सेकेंड या थर्ड या पर्टिकुलर लोकेशन फाइंड आउट करनी हो तो हम इस उससे कर सकते हैं, है ना। तो इसे लिखेंगे कैसे, सिलेक्ट लोकेट और फिर आर्गुमेंट में हम जो भी स्ट्रिंग जो देना चाहते हैं वो लिखेंगे तो ये हमें उसकी पोजीशन काउंट करके बताएगा। नेक्स्ट हमारा आता है लोअर। लोअर यानी कि ये हमारे जो लेटर्स जो हम लिखेंगे उनको स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट करके आउटपुट देगा। दिस फंक्शन इज़ यूज टू कन्वर्ट द अपर केस स्ट्रिंग इनटू लोअर केस। अपर केस यानि कि कैपिटल लेटर्स में जो स्ट्रिंग है उसको लोअर केस यानि कि स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट करके आउटपुट देता है। ये फंक्शन करता है हमारा लोअर, यानी कि स्मॉल लेटर्स में स्ट्रिंग को कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट हमारा आता है एलपेट। एलपेट फंक्शन, दिस फंक्शन इज़ यूज टू मेक द गिवन स्ट्रिंग ऑफ गिवन साइज बाय एडिंग द सिंबल। ये क्या करेगा कि हम जितनी उसको लेंथ देंगे उतनी लेंथ की हमारी स्ट्रिंग को बना देगा। यदि साइज़ छोटा है तो उसमें कुछ सिंबल्स ऐड करके उसको उतनी लेंथ का बना देगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है एल ट्रिम। ट्रिम फंक्शन क्या करता है, जो हमारी स्ट्रिंग है उसमें कुछ काट छांट करना, है ना। दिस फंक्शन इज़ यूज टू कट द गिवन सब स्ट्रिंग फ्रॉम द ओरिजिनल स्ट्रिंग। ओरिजिनल स्ट्रिंग से हमारी जो गिवन स्ट्रिंग है उसको काट, ओरिजिनल स्ट्रिंग को कट करके जो भी हम उसको कंडीशन देंगे उसके फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर देगा। ये करता है एल ट्रिम, कट द गिवन स्ट्रिंग और सब स्ट्रिंग फ्रॉम ओरिजिनल स्ट्रिंग। आर्गुमेंट में हम ही देंगे कि इसको कितने लेटर से, कितने नंबर के लेटर से कहाँ तक इसको कट करना है, ये हम ही उसको आर्गुमेंट में देंगे और वो उस स्ट्रिंग को कट करके हमें आउटपुट दे देगा। नेक्स्ट हमारा आता है मिड। दिस फंक्शन इज यूज टू फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द गिवन पोजीशन एंड ऑफ द गिवन साइज। मिड फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, हम आर्गुमेंट में जो साइज उसे देंगे, जो नंबर उसे हम देंगे, तो वो बड़ी स्ट्रिंग में से जो साइज हमने दिया है उतने साइज की छोटी स्ट्रिंग निकाल के हमें दे देगा। पोजीशन हम देंगे, साइज हम देंगे, है ना, वो हमें उस साइज का एक वर्ड बना के वैल्यू रिटर्न कर देगा। क्लियर। नेक्स्ट हमारा आता है पोजीशन। दिस फंक्शन इज़ यूज टू फाइंड द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट अकरेंस ऑफ गिवन अल्फ़ाबेट। हम जो भी अल्फ़ाबेट देंगे वो अल्फ़ाबेट सबसे पहले किस पोजीशन पे आया है वो हमें आउटपुट दे देगा, है ना। तो ये हमें अल्फ़ाबेट की पोजीशन निकाल के देगा कि ये जो वर्ड है या ये सबसे पहले कौन से नंबर की पोजीशन पे आया है। जैसे ई है, हेलो स्टूडेंट में ई सेकंड नंबर पे आया है, तो ये हमें आउटपुट क्या देगा, ई देगा, क्योंकि ई सेकंड नंबर पे, सबसे पहले सेकंड नंबर पे ई आया है,
तो वो सेकंड पोजीशन हमें देगा कि ई सेकंड पोजीशन पे सबसे पहले आ रहा है, ये हमारा पोजीशन फंक्शन आउटपुट निकाल के देगा। क्लियर। इसके बाद आता है रिपीट फंक्शन। रिपीट फंक्शन, दिस फंक्शन इज यूज्ड टू राइट द गिवन स्ट्रिंग अगेन एंड अगेन टिल द नंबर ऑफ टाइम मेंशंस। रिपीट का मतलब ये होता है कि किसी काम को बार बार करना, अगेन एंड अगेन, है ना। तो जब हम ऐसा चाहते हैं कि किसी स्ट्रिंग को हम बार बार लिखवाना चाहते हैं और कितने नंबर ऑफ़ टाइम्स लिखवाना चाहते हैं ये भी हमारे ऊपर है, तो ये जब हम रिपीट फंक्शन के साथ लगाएंगे तो वो उस स्ट्रिंग को उतनी बार लिख देगा जितनी बार हम उसको बोलेंगे, दो बार, तीन बार, छः बार, दस बार, रिपीट फंक्शन उतनी बार उस स्ट्रिंग को लिख देगा। नेक्स्ट आता है हमारा रिप्लेस फंक्शन। रिप्लेस फंक्शन क्या करता है, दिस फंक्शन इज यूज टू कट द गिवन स्ट्रिंग बाय रिमूविंग द गिवन सब स्ट्रिंग। रिप्लेस फंक्शन क्या करेगा कि जितना हम आर्गुमेंट देंगे वो उसको उतना कट करके हमें एक छोटी सी सब स्ट्रिंग प्रोवाइड करा देगा, गिवन स्ट्रिंग को सब स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा जितने हम लेटर्स उसको बोलेंगे उतने लेटर्स रिमूव करने के बाद। नेक्स्ट हमारा आता है रिवर्स। दिस फंक्शन इज़ यूज्ड टू रिवर्स अ स्ट्रिंग। रिवर्स यानी कि पलटना, है ना। जैसे मैंने हेलो वर्ड लिखा है तो हेलो का रिवर्स क्या हो जाएगा, ओ डबल एल ई एच। हेलो का सही वर्ड क्या है, एच ई डबल एल ओ, है ना। तो इसका रिवर्स क्या हो जाएगा, ओ डबल एल ई एच। तो रिवर्स स्ट्रिंग क्या करता है, स्ट्रिंग को उल्टी तरफ से पढ़ना चालू कर देता है, रिवर्स कर देता है, पलट देता है। तो रिवर्स फंक्शन इज यूज टू रिवर्स अ स्ट्रिंग। क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारा राइट। दिस फंक्शन इज यूज टू सिलेक्ट अ सब स्ट्रिंग फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द गिवन साइज। यहाँ पे हमारी स्ट्रिंग को ये सब स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है, बट कहाँ से, राइट है तो राइट एंड से, जो भी साइज हमने दिया है उसके राइट एंड से उस स्ट्रिंग को वो सब स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। नेक्स्ट आता है आरपेट। दिस फंक्शन इज यूज टू मेक द स्ट्रिंग एज लॉन्ग एज द गिवन साइज बाय एडिंग द गिवन सिंबल ऑन द राइट। ये राइट साइड पे जो भी सिंबल हम देंगे उनको ऐड करके हमारी स्ट्रिंग को गिवन साइज में कन्वर्ट कर देता है, जो साइज हम उसे देंगे। तो ये स्ट्रिंग का साइज भी बढ़ा देता है, बट कहाँ पे, राइट साइड पे। आरपैड हमेशा राइट साइड पे काम करेगा, ठीक है। तो ये राइट साइड पे उन सिंबल्स को ऐड करके उसके साइज को बड़ा कर देता है, है ना, और गिवन साइज में हमारी स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट हमारा आता है आरट्रिम। आरट्रिम फंक्शन क्या करता है, दिस फंक्शन इज यूज टू कट द गिवन सब स्ट्रिंग फ्रॉम द ओरिजिनल स्ट्रिंग। ट्रिम फंक्शन यानी कि कुछ ना कुछ काट छाट करने वाला फंक्शन, और वो काट छाट कितना करेगा, जितना कि हम उसे बोलेंगे। एल ट्रिम बोल रहे हैं तो वो लेफ्ट साइड से करेगा, आर ट्रिम बोल रहे हैं तो वो राइट साइड से करेगा, फ्रॉम राइट ऑफ द ओरिजिनल स्ट्रिंग एंड एल ट्रिम फ्रॉम लेफ्ट ऑफ द ओरिजिनल स्ट्रिंग। और कितना कटिंग करेगा ये, कितना उसका साइज करेगा ओरिजिनल स्ट्रिंग को, कितना मैनिपुलेट करेगा, जितना हम उसको आर्गुमेंट में बोलेंगे। क्लियर। जितना हम उसको बोलेंगे वो उतनी ही हमें स्ट्रिंग ट्रिम करके देगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्पेस। दिस फंक्शन इज़ यूज टू राइट द गिवन नंबर ऑफ स्पेस। यह फंक्शन हम जितना भी उसको स्पेस देंगे उतने स्पेस में उस नंबर को लिख के दे देगा, उतना स्पेस हमारे लिए रिजर्व कर देगा। क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं कुछ और हमारे फंक्शंस की तरफ। ये है स्ट्रिंग सीएमपी, मतलब strcmp, इसका पूरा नाम है स्ट्रिंग कंपेयर। स्ट्रिंग कंपेयर फंक्शन क्या करता है, जब हम स्ट्रिंग दो स्ट्रिंग की तुलना करना चाहते हैं तब हम स्ट्रिंग कंपेयर फंक्शन का यूज़ करते हैं। दिस फंक्शन इज़ यूज टू कंपेयर टू स्ट्रिंग। कंपेयर यानी कि जब हम दो स्ट्रिंग की तुलना करेंगे, है ना, तब वो हम इस फंक्शन का यूज़ करेंगे।
इफ वन एंड टू आर सेम, यदि दोनों स्ट्रिंग सेम हैं तो ये फंक्शन हमें वैल्यू क्या रिटर्न करेगा, ज़ीरो। क्या वैल्यू रिटर्न करेगा, ज़ीरो, व्हेन बोथ द स्ट्रिंग आर सेम। जो भी स्ट्रिंग हम तुलना करने को दिए हैं वो दोनों स्ट्रिंग यदि सेम होंगी तो हमें आंसर मिलेगा ज़ीरो। इफ वन इज स्मॉलर देन टू, जब एक जो पहली स्ट्रिंग है वो दूसरी स्ट्रिंग से छोटी है, देन फंक्शन विल रिटर्न माइनस वन, तब हमें आउटपुट माइनस वन मिलेगा। इफ वन इज लार्जर देन टू, यदि पहली स्ट्रिंग दूसरी स्ट्रिंग से बड़ी है, देन द फंक्शन विल रिटर्न वन, तब हमें आंसर मिलेगा वन। मतलब दोनों स्ट्रिंग यदि सेम साइज़ की हैं, बराबर हैं, तो हमें ज़ीरो मिलेगा। यदि पहली छोटी है दूसरी से तो हमें माइनस वन मिलेगा, और यदि पहली बड़ी है दूसरी से तो हमें आउटपुट वन मिलेगा। मतलब क्लियर है कि इसका आउटपुट हमें ज़ीरो, माइनस वन और प्लस वन इतना मिलेगा। अब डिपेंड करता है कि दोनों स्ट्रिंग के कंपैरिजन में क्या हमें देखने को मिल रहा है। क्लियर। अब आता है आगे नेक्स्ट सब स्ट्रिंग, एस यू बी एस टी आर। दिस फंक्शन इज यूज टू फाइंड अ सब स्ट्रिंग फ्रॉम द स्ट्रिंग फ्रॉम द गिवन पोजीशन। ये हमें किसी भी स्ट्रिंग की सब स्ट्रिंग निकाल के देता है, कहाँ से, फ्रॉम द गिवन पोजीशन। जो पोजीशन हम उसे आर्गुमेंट में देंगे उस पोजीशन से हमारी स्ट्रिंग को सब स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके दे देगा। ऑब्वियसली सब स्ट्रिंग जो है वो मेन स्ट्रिंग से थोड़ी छोटी हो के जाती है, क्योंकि हम उससे बोल ही रहे हैं कि हमें सब स्ट्रिंग यानी कि छोटी स्ट्रिंग निकाल के दो। नेक्स्ट है सब स्ट्रिंग। सब स्ट्रिंग फंक्शन को दो तरीके से लगाया जा सकता है। एक तो हम सिंपली शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे एस यू बी एस टी आर, दूसरा हम लिखेंगे पूरा एस यू बी एस टी आर आई एन जी, सब स्ट्रिंग। दिस फंक्शन इज यूज टू फाइंड एन अल्फ़ाबेट फ्रॉम द मेंशन साइज एंड द गिवन स्ट्रिंग। यह स्ट्रिंग हमें क्या निकाल के देगा कि हमने जो भी साइज और वो मेंशन किया है उससे हमें एक अल्फ़ाबेट निकाल के आउटपुट दे देगा। जो भी हम उसको एग्जांपल, जो भी हम स्ट्रिंग के तौर पे उसको देंगे उसमें से ही हमें निकाल के देगा। कौन सा अल्फ़ाबेट, जो हमने साइज़ मेंशन किया है, जो हमने गिवन है, जो हम आर्गुमेंट में जो साइज़ देंगे उसमें से। नेक्स्ट हमारा आता है सब स्ट्रिंग इंडेक्स। इंडेक्स यानी कि जो हमने जो सिंबल्स लगाए हैं वो। दिस फंक्शन इज यूज टू फाइंड अ सब स्ट्रिंग बिफोर अ गिवन सिंबल। ये हमें जो भी हमने इस गिवन सिंबल्स जो लगाए हुए हैं स्ट्रिंग में इंडेक्सिंग के लिए, मतलब नंबर वाइज करने के लिए जो सिंबल्स लगाए हैं उसके आगे सब स्ट्रिंग को एड ऑन कर देगा। फाइंड अ सब स्ट्रिंग बिफोर द गिवन सिंबल, जो भी हमने सिंबल्स दिए हैं उसको, उसके आगे हमें सब स्ट्रिंग को फाइंड करके आउटपुट देगा। नेक्स्ट आता है हमारा ट्रिम। ट्रिम वाई कट करने का काम हमारा ट्रिम फंक्शन करता है। दिस फंक्शन इज़ यूज टू कट द गिवन सिंबल फ्रॉम ए स्ट्रिंग। अब हमें स्ट्रिंग में से चाहे सिंबल को कट करना हो, चाहे अल्फ़ाबेट को, चाहे किसी को भी कट करना हो, हम उसको ट्रिम फंक्शन ही यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है यू केस। यू का पूरा नाम है अपर केस, है ना। तो ये फंक्शन हमें क्या करेगा, स्ट्रिंग को अपर केस यानी कि कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट कर देगा। जो भी स्ट्रिंग हम इसको प्रोवाइड करेंगे, दिस फंक्शन इज़ यूज्ड टू मेकिंग अ स्ट्रिंग इन अपर केस। अपर केस में हमें स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना होगा तो हम यू केस फंक्शन का यूज़ करेंगे। चाहे उसमें मिक्स लेटर्स लिखे हों, चाहे सारे कैपिटल हो, चाहे सारे स्मॉल हो, ये हमें आउटपुट में सारे कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट करके आउट रिज़ल्ट प्रोवाइड करेगा। ये थे हमारे स्ट्रिंग फंक्शन। हमारी बुक में इतने स्ट्रिंग फंक्शन दिए गए हैं।
इन स्ट्रिंग फंक्शंस को कैसे हमें प्रैक्टिकल में अप्लाई करना है और किस तरीके से ये हमें आउटपुट देंगे वो आप मेरे प्रैक्टिकल वीडियोस में देखिएगा, बट अभी इनका यूज़ आप समझ लीजिए कि कौन सा फंक्शन क्या काम करता है। वैसे इसको याद करने में आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये नाम से ही समझ में आ रहा है कि रिवर्स है तो ये हमारी स्ट्रिंग को रिवर्स कर देता है, सब स्ट्रिंग है, ट्रिम है, ट्रिम हमारी स्ट्रिंग को कट करता है। अब ये तो आपको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा और थोड़ा सा याद करना पड़ेगा कि आर ट्रिम है यानी कि राइट ट्रिम, ये स्ट्रिंग को राइट साइड से ट्रिम करता है। एल ट्रिम है यानी कि लेफ्ट ट्रिम, तो ये हमारी स्ट्रिंग को लेफ्ट साइड से ट्रिम करता है। सब स्ट्रिंग मतलब ये हमें जितना हम बोलेंगे उतने नंबर्स की छोटी बड़ी स्ट्रिंग में से एक छोटी स्ट्रिंग निकाल के देता है। तो जैसे जैसे आप इसकी थ्योरी लर्न करने की कोशिश करेंगे, इनको नाम से समझने की कोशिश करेंगे, तो आपको ये बहुत आसानी से समझ में आते जाएंगे। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम कोई नया टॉपिक पढ़ेंगे। धन्यवाद।